अस्सलाम वालेकुम मेरे पड़ोसी भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। समझ तो लग होगी मैं किस टॉपिक पर बैठ रहा। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे यार, जिगरी दोस्त, जिगरी दुश्मन भी जिसको हम कहते हैं, इंडिया वालों, क्या हाल चाल है? कैसे फिर कोई पटाई श्रीलंका से? जब जब आपने हमको सताया, आपने हर जगह जिंदगी कमाई। मतलब कि जब जब आपने पाकिस्तान को किसी चीज का जवाब दिया, किसी चीज से उससे उकसाया या किसी चीज से धमकाया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं आ रहा चैंपियन ट्रॉफी खेलने आपके मुल्क में, जो मर्जी कर लो, वो देख लो, आप लोगों ने हमें ललकारा, आपके सामने करिश्मा आ गया। श्रीलंका से आप बुरी तरह से ओडीआई सीरीज, जो कि आज से 27 साल पहले श्रीलंका इंडिया से कोई सीरीज जीती थी, आज 27 साल बाद श्रीलंका फिर से इंडिया को हराने में कामयाब होगा। मैं बात दरअसल ये कहने जा रहा हूँ, इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी खेली है न्यूट्रल वेन्यू पर, मतलब कि न्यूट्रल वेन्यू कोई दुबई हो गया या कोई श्रीलंका हो गया। मतलब कि आपको ये मैं चीज समझाएंगे, पाकिस्तान में आ जाओ खेलने, बच जाओगे, थोड़ी बहुत इज्जत आपकी रह जाएगी। वो इस हिसाब से कि पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग का इतना खास जादू नहीं चलता, यहाँ पर फास्ट बॉलिंग की थोड़ी बहुत ही स्विंग होती नहीं, तो यहाँ पर फ्लैट पिक्चे हैं। अरे दुबई में गया, वहाँ भी स्पिन पिक आ गया, आपको फंस जा रहा है, श्रीलंका के आगे तो वैसे वो आपको हिलने नहीं देंगे। मतलब के अरे चुप कर, चुप करके जेशा साहब पाकिस्तान आ जाओ, इज्जत बचानी है। आगे से आपने एक नया कप्तान लाकर बना दिया, वो शुभमन गिल को बना दिया वो इस कप्तान। उसके बाद आप लोग जो कोच है गौतम गंभीर, उसकी तो आप लोगों ने नाक ही कटवा दी ना, कि यार इतनी बुरी तरह से आप हरे हैं। आपसे 250 रन की चीज हो रहा है श्रीलंका के खिलाफ, 250 रन, 249 रन उन्होंने मारे थे इससे ओडिया में इंडिया के साथ, वो भी नहीं हुआ। मतलब कि स्पिन ने ऐसा जादू वहां पर चलाया कि इंडिया वाले वहां पर दंग रह गए। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है मेरे बच्चे, पाकिस्तान आ जाओ। अभी भी टाइम है कि पाकिस्तान को हाँ कर दो, हम पाकिस्तान में खेलेंगे, नहीं तो आगे आगे जितनी भी सीरीजें हैं आप लोगों ने, हम नहीं है, आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होनी है, आपकी जगह श्रीलंका आएगी। और एक बात और, आप उस टीम से हारे हैं जो कि 9वें नंबर पर है आईसीसी रैंकिंग में। अरे यार कोई तीसरे नंबर से टीम से हारते, दूसरे से हारते, पांचवें से हारते, छठे से हारते, सातवें से हारते, वो जो टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, आप उससे मैच हार गए, तो आपने चैंपियन ट्रॉफी क्या खा खेलनी है? तो ये सब ना, जब पाकिस्तान से आप पंगा लेते हो ना, आपको हर तरह से मुंगी खानी पड़ती है, तो आप चुपचाप करके पाकिस्तान में आए, चैंपियन ट्रॉफी खेलें और जाए, यहाँ पर फिर आपकी थोड़ी इज्जत रह जाएगी, आपको एक दो तीन मैच विन करवा देंगे। लेकिन अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, वहां पर स्पिन का जादू चल रहा है, आप लोगों ने तो उधर वहां पर आगे फुस हो जाना, इसलिए मेरी बात मानो, पाकिस्तान आ जाओ खेलो आगे, नहीं तो जिल्लत कमाई जो, जितनी कमा सकते हो जिल्लत कमाई जो। आप लोगों को पैसा दे के तो आपको खेलना आता है, पैसा दे के उसको खरीद लिया, पैसा देकर उसको खरीद लिया, बल्कि मैच जीतना चाहे जिस तरह मर्जी जीतना, वो आप लोगों ने मैच जीतना। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान आकर खेल लो, नहीं तो आप इसी तरह छोटी छोटी टीमों के साथ जलील होते रहेंगे, उनसे हारते रहेंगे और जिल्लत कमाते रहेंगे।